Daily Show with Munir Mehman. Assalamualaikum, Munir Mehman पाकिस्तान में इस वक्त मीशत एक ऐसा मम्मा बना हुआ है जो हल नहीं हो पा रहा गुजत आठ माह की हुकूमत ने मीषत संभालने के दावे तो बड़े किए लेकिन इस वक्त मीशत की जो मौजूदा सूरत हाल है वो संभाले नहीं संभल रही इसाक दार साहब ने आज भी पाकिस्तान की डूबती हुई डगमगाती हुई मीशत के हवाले से कुछ आदाद शुमार पेश किए और मीषत के मौजूदा सूरत हाल के ऊपर जो गुफ्तु की आपको वो सुनवाते हैं सबसे बड़ा चैलेंज हुआ इस वक्त और हमारी वो जो रिजर्व है बट एज मैनेजिंग वी आर

और मैंने कुछ भी नहीं किया था अभी माजी में तो कुछ करना पड़ा था 98, 99 में या बीस तेरह चौदह में इस और कुछ नहीं किया आई थिंक इट वॉज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन इट रीच ऑलमोस्ट बाय बारह तेरह अक्टूबर इट रीच अबाउट टू सेवनटी इन दी इंटर बैंक एंड डेढ़ रुपए का फर्क था सिर्फ ओपन uh, uh, और उसका तीन चीजें हैव बीन गोइंग वेरी रैपिडली रॉन्ग नंबर वन दी स्मगलिंग ऑफ डॉलर्स फ्रॉम पाकिस्तान टू ए नेबरिंग कंट्री नंबर दो हम वीट इंपोर्ट कर रहे हैं वी आर शॉर्ट ऑफ वीट एंड हम अपना फॉरन एक्सचेंज खर्च कर रहे हैं वो हमारी और उसको सब्सिडाइज पार्टली भी करना पड़ता है अगर लोकल से प्राइस से ज़्यादा करते हैं वो भी हो रही है स्मगल हो रही तीसरी फर्टिलाइजर भी हैविली सब्सिडाइज हमारी लोकल प्राइस यूरिया की तेईस है हम इम्पोर्ट करते हैं वो लाखों टन मेट्रिक टन हमने किया है जब से ये हुकूमत आई है और उसमें हम हंड्रेड मिलियन सो डॉलर खर्च करते हैं और वो छह से सात हजार पर मैट्रिक टन यू कॉन्ट सेल के ये है सात हजार में बिकेगी और ये लोकल है लोकल भी इसलिए सस्ती है कि गवर्नमेंट अपनी गैस दे रही है एट ए वेरी चीप प्राइस गैस अदरवाइज तो वो भी उनकी भी कीमत ऊपर होगी आज आप उनको आर एल एन जी दे दें दे, उनकी कीमत आसमान चली जाए तो आपने देखा कि इसहाक डार साहब ने जो गुफ्तु की है उसमें इसाक डार साहब काफी सारी चीजों की तरफ हवाला दे रहे थे बता भी रहे थे कि पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट नहीं कर रहा लेकिन पाकिस्तान की माशी हालात कुछ पतली नजर आती है जहां पे एक आईएमएफ का तस्करा किया वहां पे ये भी कहा गया कि इतने सारे सवाल और उनके जवाब खुद डार साहब के पास हैं तो फिर भला इतनी ताखिर क्यों इसी हवाले से आज एक जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, की जानब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया आपको दिखाते लोगों के पास रोजगार नहीं है लोग बेचारे परेशान हैं घरों पे पैसे नहीं है फाके हैं एक एक दिन के खाने नहीं खाए जा रहे हैं दो सौ रुपए का आटा छोड़े डेढ़ सौ रुपए का आटा भी जो है लोग मतलब पचपन रुपए का आटा जो है हम हम महंगाई करते थे और आज सवा सौ से डेढ़ सौ रुपए का आटा जो है वो लोगों को मिल नहीं रहा तो खुदारा ये मीशत के हालात अच्छे नहीं हैं और अगर इसाकदार साहब कह रहे हैं कि प्रोपोगंडा से ये हालात खराब हो रहे हैं लोग सोना खरीद रहे हैं डॉलर खरीद रहे हैं ऐसा नहीं है हमारी भी हुकूमत थी जब उस वक्त कम प्रोपोकेंडा होता था ये तरह जमाते मिलकर करती थी हमारी भी हुकूमत उस वक्त बॉर्डर नहीं था हमारे साथ अभी कह रहे हैं जी बॉर्डर से डॉलर निकल रहे हैं उस वक्त कैसे उस वक्त तो मुल्क में अंदर आ रहा था डॉलर अब बाहर जाना शुरू हो गया है तो ये आपकी करतूते हैं और अगर आप नहीं संभालेंगे तो ये और हर आने वाला दिन जो है इस मुल्क को नीचे लेकर जाता रहेगा बहुत बहुत तो तो रेट्स बता दे आज कहाँ कहाँ मोटे दो सौ आम, आम लोगों को बता दो सौ पच्चीस रूपये दो सौ पच्चीस का डॉलर इसहाक डार साहब का है इसहाक डार साहब के जो सबक वजीर खजाना है वो कहते हैं कि दो सौ चवालीस रुपए में तो मैं खरीदार हूँ और दो सौ पचपन में जो है ना लोग जा जा के पूछते हैं तो लोगों को मिल नहीं रहा तो दो सौ का डॉलर और आईएमएफ बल्कि मैं आपने अच्छा वो ये बात बता दी तो उससे आईएमएफ का जिक्र करते जाऊं हम जब आईएमएफ के प्रोग्राम में थे तो हमें कहते थे पी टी इन्होंने असेंबली में हमारे खिलाफ वोट डाला था जब हमने स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस की थी उसके बाद जैसे हम गए इन्होंने हमें तोहने आई लगा दी कि इन्होंने आई से माहिदे को ये कर दिया उसके चार महीने बाद इन्होंने आई एम एफ़ का म्हिदा किया उनतीस अगस्त दो हज़ार बाईस दो महीने संभाल नहीं सके आई एम एफ़ का प्रोग्राम इसाकद डार साहब पाकिस्तान आए थे आपने जैसे जादूगर का वर्ड इस्तेमाल किया वो पाकिस्तान आए थे पच्चीस साल की आई एम एफ से डीलिंग के तजर्बे पे इसहाक डार साहब को इस वक्त वो जो है फ्री भी नहीं करा रहे बात करना नहीं पसंद कर रहे और आप कहा जा रहा है कि दो से तीन हफ्ते का टाइम दिया उन्हें तो आपने मौजूदा सूरत हाल के ऊपर ये तमाम तर जो की प्लेयर्स हैं आपने उनकी गुफ्तोग सुनी लेकिन अब सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान की मीशत इतनी ही ज्यादा मुश्किल सूरत हाल में है और मीशत के इतने सारे चैलेंजेस दरकार हैं तो फिर इस वक्त मौजूदा हुकूमत बड़े इकदाम करने से क्यों कतरा रही है आई एम एफ की जानब से जो पाकिस्तान को जो पैकेज के हवाले से मामला आते हैं उसमें जो डिले आया है ये डिले पाकिस्तान की मीशत के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है या इसका जो नतीजा होगा पाकिस्तान के लिए क्या क्या कुछ लेते हुए आएगा इसी वाले आप प्रोग्राम में गुफ्तु करेंगे और खास तौर पे एनर्जी सेक्टर ये कैसा शोबा है जो कि पाकिस्तान में हर खास आम से जुड़ा हुआ है आप इंडस्ट्रीज की बात करें आप लोकल कंज्यूमर्स की बात करें कोई भी शख्स पाकिस्तान में रहने वाला वो ऐसा नहीं होगा जो इस शोबे से मुस्तना हो और एनर्जी सेक्टर में जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में गर्दिशी कर्जा है या जो कुछ पाकिस्तान के डिमांड एंड सप्लाई के मामलाते हैं वो तमाम तो शायद इसी सेक्टर से जुड़े हुए हैं इसी वाले से आज हमें गुफ्तु करेंगे ज्वाइन करें जनाब कलीम ए सिद्दीकी साहब फॉर्मर एम डी पाकिस्तान स्टेट ऑयल के और फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं बाइको पेट्रोलियम के साथ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सलमान अहमद साहब रिसर्च एनलिस्ट हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं इनसे जरा जानेंगे कि ये जो सूरत हाल है पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी मुश्किल में है तो आखिर इसकी वजह क्या हुई और ये सूरत हाल डेवलप हुई तो कब से हुई आ, करीम साहब सब सबसे पहले तो वेलकम करूंगा आपको शो में और, और आप तो लाए आपका शुक्रिया आ, करीम साहब यू बीन लुकिंग एट द इकॉनमी फ्रॉम अ वेरी गुड एंड अगर मैं कहूं कि शायद अब इकोनॉमी का एक ऐसा सिरा जो पाकिस्तान की पूरी मैशियत को जोड़े रखता है या पाकिस्तान की पूरी मैशत को कंट्रोल करता है वो आपके पास रहा मुझे ये बताएं कि जो हम अक्सर देखते हैं कि पाकिस्तान में हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं रखती जब स्टेबल कहा भी जाता है तब भी वो इतनी स्टेबल नहीं होती और ज़रा से एक झटका आता है एक हल्का सा जोल्ट आता है तो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल बुरी तरीके से शेक हो जाती व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट मुख्तसर अल्फाज में तो मैं ये कहूँगा आपको कि देखें जब आपके अखराज ज़्यादा हों और आपकी आमदन कम हो तो आपको प्रॉब्लम तो फेस करेंगे सही अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नेंस का जो पूरा मॉडल है और जो हमारा उसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वहाँ से आती है दूसरा ये कि जो एनर्जी सेक्टर है किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन होता है अगर एनर्जी सेक्टर को आप किसी हद तक प्रॉपर मैनेज कर लें तो आपको आसानी होती है अब हमारे इसके अंदर जो है तो हमने इंडिजीनियस प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी और काफी कुछ रिलायंस हमारा जो है वो इम्पोर्टेड के ऊपर है अब मिसाल के तौर पर जी रिलायंस इम्पोर्टेड पर है, है। <laughs> जुबानी जुमला हो गया है जी जी आप कुछ कह रहे थे तो तो मैं ये कह रहा था कि हमारा चूंकि रिलायंस इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर है अब अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें भी जो है तो रफली पचास परसेंट हमारी लोकल रिफाइनरियाँ प्रोड्यूस करती हैं और पचास परसेंट हम इम्पोर्ट करते हैं तो आपको उसके लिए पैसे चाहिए बिल्कुल सही इसी तरह से पावर जनरेशन जो है वो भी उसका एक बहुत बड़ा रिलाय आप कर रहे हैं इम्पोर्टेड एल के ऊपर और क्या नाम है जो फर्नेस ऑयल है उसके ऊपर तो हमारा जो लोकल गैस है वो हार्डली 11 परसेंट अवेलेबल होती है पावर जनरेशन बिल्कुल सही और जो एल है आर एल कहलाती है री लिक्विड नेचुरल गैस ये जो है तो तकरीबन 21 परसेंट के करीब है बिल्कुल ठीक फिर हाइडल पावर है वो तकरीबन 30 परसेंट के करीब है तो ये वो मेजर हमारे वो हैं पाँच छः परसेंट इस वक्त जो है तो आपका फर्नेस ऑयल है आठ परसेंट साढ़े आठ परसेंट के करीब जो है तो न्यूक्लियर है तो ये हमारा एनर्जी बिल्कुल एनर्जी मिक्स है हमारा तो इसका मतलब है कि आपकी काफ़ी हैवी रिलायंस है इम्पोर्टेड फर्नेसाइल के ऊपर इम्पोर्टेड एल के ऊपर और कोल के ऊपर कोल भी ज़्यादातर हम इम्पोर्ट करते हैं लोकल नहीं है इसलिए कि तकरीबा बीस बीस परसेंट इक्कीस परसेंट हमारा कोल से प्रो जनरेट हो रहा है वो भी सारा इम्पोर्टेड है गो के हमारे पास एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है थर के अंदर कोल का जिसमें कि अब फाइनली एक हमने सही अप्रोच ली है अब कुछ प्लांट्स हमने लगाए जिनसे प्रोडक्शन हो रही है मगर हमने बहुत टाइम कंज्यूम कर दिया इसके अंदर देखिए जब आप वक्त के ऊपर सही टाइम के ऊपर आप फैसले नहीं करेंगे और उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम्स तो लेकिन लेकिन कलीम साहब सॉरी टू तो इंटरप्ट मुझे एक बात है। आप जो बात करें जो आदाद शुमार दे रहे हैं मेरे ख्याल से लास्ट दस साल पहले भी हमारे शायद सूरत हाल ऐसी थी बीस साल पहले चले जाए तो भी हमारी जो सूरत हाल थी वो इसी मिक्स के इर्द गिर्द घूमती रही पाकिस्तान की मीशत की बात करें सर इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं वो डिफरेंट है पाकिस्तान के लिए डिफॉल्ट का वर्ड उतना ज्यादा इस्तेमाल कभी नहीं हुआ जितना आज हो रहा है हम ये कहते थे चले महंगाई है मुल्क मासी सूरत हाल में बे बेहतर नहीं है मुल्क के हालात खराब हैं लेकिन आज जो मसला ये हो रहा है कि आज इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स एनालिस्ट वो मुल्क की दिवाली की बात कर रहे हैं दैट इज अलार्मिंग ये कैसे हो गया ये अचानक से तो नहीं हो सकता देखिए ये एक दिन में नहीं हुआ ये तसलसल है हमारी तीन चार पिछली गवर्नमेंट्स का हर गवर्नमेंट के जमाने में वो लोन लेते रहे और उससे मुल्क चलाते रहे और उसकी वजह से हम ग्रेजुअली बैक टू वर्स की तरफ सफर आप आप लोन की बात करें आज ही डार साहब ने कहा कि हमारी लोन के जो रेशोटी रेशो घबरा गए तो छोटी तो 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 सी बात है नहीं वो तो ठीक है पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना एक अलग बात होती है और हक को देखना एक अलग बात आपको लगता है डायर साहब ने की? मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट इसमें शामिल है देखिए इस वक्त आप सूरत हाल आज से दस साल पहले नहीं थी ये ग्रेजुअली आप वहां से स्लाइड करते हुए इस सूरत हाल पे आए और इस वक्त मेरा ख्याल है कि आपके छे बिलियन के भी रिजर्व नहीं रहेगा ऑलमोस्ट अराउंड मिलियन बिलियन प्लस हाँ वही मेरे छह के भी नहीं रहेगा फाइव पॉइंट एट और समथिंग है जी तो अगर ये रिजर्व आपके पास अब बचा है तो आप मुझे बताइए और इसमें भी गालिबा वो अमाउंट शामिल है जो कहा गया है कि इस्तेमाल ना करें या रखवा रहे हैं सिर्फ वो शो केस के लिए शो केस के लिए तो वेयर डू यू स्टैंड

मुझे एक ही सवाल उनका जवाब और उसमें क्लैरिटी मुझे नज़र नहीं आई आपको दिखाई दी बसमन रही <coughs> बिल्कुल मैं आपसे मुतफ़ हूँ र कुछ है नहीं पास तो क्या तो बताएंगे लेकिन ये कि सब कुछ जो है वो पिछली गवर्नमेंट पर डालना या आईएमएफ पर डालना या बहुत सारी ऐसी इेलीवेंट चीज़ों पर डालना कि डॉलर की स्मगलिंग हो रही है उसकी वजह से डॉलर शॉर्ट है इन चीज़ों पर स्मगलिंग भी मौजूदा गवर्नमेंट क्या पिछली गवर्नमेंट पर डाल रही है आ, ऐसे ही है ऐसे ही है वो सारी चीज़ें ज़ाहिर है वो अपनी इसमें तो वो कभी नहीं करेंगे लेकिन बहरहाल ये इेलीवेंट चीज़ें हैं और मेरा ख्याल है कोई प्लान कोई पॉलिसी कोई मैनोफेस्टो कोई ऐसी सॉलिड कॉन्क्रीट कोई हमें नज़र नहीं आई लेकिन आपने बिल्कुल कहा मुझे ज़रा ये बताएं जब डार साहब की दो हजार की बात करें तेरह चौदह की बात करें हम सुनते थे डार साहब को जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे जब वो मीडिया से गुफ्तु करते थे जब वो बिजनेस कमिटी से गुफ्तु करते थे वो बड़ा डायनेमिक होकर बात कर रहे होते थे और ऐसा लगता था कि वो जो कह रहे वो करके दिखा देंगे और उस वक्त बहुत कुछ हुआ भी राइट और रॉन्ग उसकी डिबेट में नहीं पड़ते आज अगर डार साहब की मैं बॉडी लैंग्वेज देखूं तो कुछ बुझी बुझी नजर आई इस वक्त डार साहब की बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान के आवाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे वो कह रहे हैं गोल्ड गोल्ड की जो एक तरीके से उस पर गैमलिंग हो रही है वो कह रहे हैं कि डॉलर पाकिस्तान से स्मगल हो रहा है सर ये जो मामलाते हैं ये तो गवर्नमेंट के कंट्रोल करने के ये मेरे और आपके कंट्रोल करने के तो नहीं है ये तो वो चीजें जो आप कर सकते हैं आप रोक सकते हैं क्यों नहीं रोक रहे डर साहब नहीं आप तो 2013-14 का तो बहुत अच्छा जमाना था और वाकई इनकी अचीवमेंट्स थी जो चीज है वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए ज्यादा पुरानी बात नहीं जब ये तशरीफ लाए थे पाकिस्तान में अभी मेरा ख्याल एक महीना या डेढ़ महीना पहले जब तशरीफ़ लाए उस वक्त के कॉन्फिडेंस लेवल में और अब में भी जमीन exactly, बड़ा आपने बैलेट पॉइंट उठाया ये तो पुरान, दो हजार तेरह तो बहुत शानदार जमाना हाँ। था उसकी तो बात ही छोड़ दे और देखें पोलिटिकल अनसर्टेनिटी जो जो इकनॉमिक डिजास्टर इस वक्त है मैं डिजास्टर कहूंगा और है इसको एक्सेप्ट करना चाहिए छह अरब डॉलर के एक महीने का हमारे पास जो है इंपोर्ट करने के सिर्फ डॉलर्स मौजूद हैं और इसमें किस तरीके से होना है सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ एम एफ के ऊपर लाए है आईएमएफ ने भी तीन हफ़्ते दे दिए हैं कि ये ये चीज़ें आप कर दें तीन हफ्ते दी हैं तीन हफ्ते का अल्टीमेटम दिया आप क्लियर बात करें ना आप तीन हफ्ते बड़ा बड़े लगे लिपटेड लफ्ज़ों में बात करें आप गए तीन हफ़्ते का अल्टीमेटम दिया या तो अपना किबला दुरुस्त दुरुस्त कर लो या तो फिर हम चाता ताल्लुक कर लो इन्हें करना पड़ेगा वो अगर किसी भी एंगल से कहें इन्हें हर हाल में इन्हें आईएमएफ अवेल करना पड़ेगा सही और उसकी जो भी कंडीशंस हैं वो इन्हें पूरी करनी पड़ेंगी वो कंडीशन हम और आप डिस्कस करते रहते हैं क्या क्या करना है पेट्रोल प्राइसेस डॉलर की पैरिटी रेट और जितनी भी चीजें एनर्जी प्राइसेस गैस के प्राइसेस वगैरह वगैरह उसने गैस का जो सर्कुलर डेट है उसको खत्म करने की अट्ठाइस दिसंबर तक उसने वार्निंग दी है कि आप इसको खत्म करें पंद्रह सौ रुपए और ये कैसे मुमकिन हो सके ये जो सर्कुलर डेट है ये खत्म होता हुआ आपको नजर आ रहा है साहब बैठे हैं जिन से इनका ये उन कंपनीज के शेयर प्राइस इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि जी हाँ, जी हाँ। तो बुनियादी जो रीजन है मैं इसको इस तरह से कहूंगा कि पोलिटिकल अनसर्टेनिटी जब होती है तो कोई भी इकोनॉमिक प्लान या रिफॉर्म इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता क्योंकि इम्प्लीमेंट uh, करने के लिए कम से कम पांच साल का अरसा चाहिए चार से पांच साल लगते हैं अब एक हुकूमत जो छह महीने महीने साल उसको कुछ पता ही नहीं एग्जैक्टली exactly. तो जो आपके डोनर्स हैं मल्टी हैं इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इन्वेस्टर्स हद है, तक लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो कैसे ट्रस्ट करेंगे हुकूमत पे या उसकी पॉलिसी पे या उसकी बातों पर कोई भी अगर प्लान करें सागदार साहब आई एम एफ के हवाले से एक सर्टिफाइड डिग्री होल्डर है सर वो मना लेंगे आई को आप आप नाराज हो रहे हैं आपको उनकी काबिलियत काबिल शक लग रहा है मुझे आ, मसला ये सर कि वो चीज़ें सारी गुजर चुकी हैं मैंने अर्ज किया ना कि एक डेढ़ महीना पहले जब तशरीफ लाए थे तो वो कॉन्फिडेंस के 190 डॉलर और फलाना और मैं आई एम एफ को देख लूंगा और अभी फिर कुछ दिनों के बाद कह रहे थे आई एम एफ क्या है हम दूसरी जगह से भी कर सकते हैं हाँ। तो ये देखें कन्फ्यूजन है तो दोस्त ममालिक भी साथ नहीं दे रहे पत... हैं है है, आ, आ, हमारे कबूलियत वाले लोग हैं तो वो खत भी अब बेकार हो जाएगा इसलिए खत की भी अहमियत जो है वो अब ठीक हो गए इसके बात करते हैं और जरा इसे हवाले से भी गुफ्तु करेंगे पाकिस्तान में मौजूदा एनर्जी क्राइसिस है एक ऐसा बहरान है जो अभी हमें समझ नहीं आ रहा लेकिन अगर मैं श्रीलंका की बात करूं जब श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ तो वहां पर जो सबसे बड़ी चीज देखने में आई कि जो फ्यूल था जो एनर्जी थी वो नापैद हो गया लोगों को घंटों घंटों गाड़ियों में खड़ा रहना पड़ा राशनिंग हुई और खुदा ना करे पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट की तरफ बढ़े कदम भी उसका इस तरफ बढ़े लेकिन अगर इस तरह का सिनेरियो होता है तो आपकी जो इंडस्ट्री है जो ऑलरेडी सफर कर रही है आपके कंज्यूमर जो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं उनका क्या हाल होगा यकीन तौर पर इसके ऊपर गुफ्तु करेंगे प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं आप देख रहे हैं The Daily Show with Muni Nema. You're The Daily Show with munir Nema. प्रोग्राम में आपको कहते हैं गर्दिशी कर्जे के हवाले से हमारी जा रही थी और गर्दिशी कर्जा ये एक ऐसा लफ्ज है जो पाकिस्तान में अक्सर सुनाई देता है आज भी साग डार साहब ने इस कर्जे के हवाले से तस्करा तो किया लेकिन गर्दिशी कर्जा क्या खत्म होना मुमकिन भी है और ये जो गर्दिशी कर्जा है वो अब तकरीबन ट्रिलियन तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है तो इसकी पीछे की वजुहत क्या है ये कर्जे कभी कम क्यों नहीं हो पाते तरीके इंसाफ की जब गवर्नमेंट आई थी दो हजार अठारह के बाद तो इस गर्दिशी कर्जे के ऊपर एक काबू पाने की कोशिश जरूर की गई थी और बड़े पैमाने पर पे, पेमेंट भी हुई थी लेकिन उसके बाद फिर ये गर्दिशी कर्जा बढ़ते बढ़ते इस हद तक जा पहुंचा कि आज पाकिस्तान के लिए एक बड़ा बहरान दिखाई दे रहा है करीम साहब ये गर्दिशी कर्जा जरा ये बताएं कि क्या होता है और ये किस तरीके से इतना अचानक से बढ़ जाता है कि फिर बेकाबू नजर आता है देखिए ये सिलसिला जो है गर्दिशी कर्जा का ये चल रहा है कोई पिछले पंद्रह सोलह साल से अट्ठारह साल से आपका चल रहा है इसमें इशू ये है कि जब आप फंडामेंटल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे सबसे बड़ी अच्छा जो आप एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसकी आप पेमेंट नहीं करेंगे आपको क्यों पर, नहीं करती गवर्नमेंट पेमेंट सबसे बड़ी तो गवर्नमेंट डिफ़ॉल्टर है एक्जैक्ट गवर्नमेंट पेमेंट नहीं करती बहुत सारे आपके कंज्यूमर्स पे नहीं कर रहे हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज आपकी पेमेंट नहीं करती हैं तो आप एक एनर्जी प्रोड्यूस तो कर रहे हैं और उसको सप्लाई भी कर रहे हैं तो उसकी एक कॉस्ट क्यों नहीं होती पेमेंट मुझे ये तो समझाएं अगर एक प्रोडक्शन हो रही है उसकी सेल हो रही है उसकी रिकवरीज आ रही है और तो अच्छी अमाउंट में पाकिस्तान में जो हम बिजली की बात करें तो बिजली बड़ी महंगी बेची जाती है आ, पेट्रोल जो पाकिस्तान में आता है वो महंगे दामों में बेच फिर भी देखिए कई फैक्टर्स है पहली बात तो हमारा जो रिकवरी मैकेनिज्म है वो बहुत ही वीक है और फॉल्टी है है। तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां से आपको रिकवरी होती नहीं है बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे वो इस्तेमाल करते हैं और आपको पेमेंट नहीं करते बहुत सारा वो जो कुंडा सिस्टम और ये और वो और बहुत सारा इंडस्ट्री में भी इसी तरह से है कि वो पावर ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और वो नहीं हो रहा सही है तो जब आपने प्रोडक्शन की और उसको अकाउंट फॉर किया तो जो गैप आता है वो सारा उसके ऊपर कॉस्ट को लोड करके और के ऊपर कंज्यूमर के पास डाइवर्ट हो जाता है अच्छा दूसरे और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो आपका ये है कि जब आप इसको फंडामेंटल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे एफिशिएंसी नहीं इम्प्रूव करेंगे आपके प्लांट्स की और बहुत सारे जो पुराने माहदे हैं आपके प्लांट्स के कि आप चाहे पावर प्रोड्यूस करें या ना करें आपको उनको एक आई के साथ आई आईपीपीस का एक कैपेसिटी अलाउंस आपको देना है आईपीपीस के अलावा भी और जो बाद में प्लांट्स लगे उनके साथ भी इसी तरह के कोई माहदे हैं कि आपको उसका जो है ऐसा होता है हालांकि बहुत सारे मजबूरी थी पावर प्लांट लग नहीं रहे थे इन्वेस्टमेंट होगा मॉडल होगा यहाँ दोस्ती का मॉडल होगा यहाँ दोस्ती का मॉडल है पॉलिटिक्स पीच में आ जाती है और बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं तो हमारा सिलसिला जो ये रहा की हमने जब इनिशियली आई लगाए तो फर्नेस ऑयल के ऊपर लगाए जबकि दुनिया आखिरी ऑप्शन के तौर पे फर्नेस ऑयल को इस्तेमाल करती है तो ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव ऑप्शन था सर वो सोचा होगा के हुआ का तेल तो वैसे ही काफ़ी निकल जाता तो ये लगा लो आसानी रहेगी तो यकीन इसके पीछे तो कोई उनका सेल्फ इंटरेस्ट भी होगा तो इसकी वजह से जो है तो आपकी कॉस्ट का बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई फिर गैस आपके मुल्क में हम पहले तो कहते रहे बहुत है और बाद में अचानक पता चला गैस ख़त्म हो गई अब गैस की हालत ये है कि आपको आजकल कुकिंग के लिए भी गैस अवेलेबल नहीं exactly. है तो हमारी कोई चीज़ जो है उसकी न तो फोरकास्ट सही होती है न हम आमाम को सही बात बताते हैं फिर हमने एल एन का तस्करा होता रहा पाइपलाइनों का तस्करा होता रहा ना पाइपलाइनें मुकम्मल हुई ना एल एन जी की आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं आपने गैस की बात की बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक वक्त हमने पाकिस्तान की सारी गाड़ियां गैस पे चला दी सब गैस पे अठारह सौ सीसी गाड़ी भी गैस पे चलती दिखाई देतील एन जी आ, का तस्करा हुआ इतना शोर हुआ इतना शोर हुआ वो तो एल एन जी अब है नहीं है और क्यों नहीं है तो ये की सवाल तो आम आदमी के जहन में आते रहेंगे अब एल एन जी जब आप मंगाएंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए आप जो जिससे खरीदेंगे उसको पैसा देना आपके पास पैसे है नहीं तो हमारे हमारे मुल्क में जो गैस होती थी मैं अगर दीगर जराये की बात करूं थर्कोल की बात करूं मैं पेट्रोलियम के बड़े बड़े जखायर हम कहते हैं कि पाकिस्तान के साइलों में है बलुस्तान में है सिंध में सर ये खाँग गायब हो जाते हैं नहीं हमारे पास है तो लेकिन हमने उसको निकाला नहीं है संभाल के रखा है उसको संभाल के रखा हुआ है चोरी ना हो जाए <laughs> चोरी ना हो जाए <laughs> उसमें मसला ये है कि हमने इस वक्त हम हार्डली 80,000 थाउजेंड बैरल्स पर डे प्रोड्यूस करते हैं क्रूड ऑयल ये जितना भी आप सुन रहे हैं ना क्रूड ऑयल साठ हजार बैरल से, से ज्यादा नहीं है जबकि कंजम्पशन आपकी जो है वो तकरीबन पचास से साठ हजार बैरल है तो जाहिर है कि आप क्या करेंगे उसको लाख लाख से अगर बैरल आपकी कंजम्पशन है तो मैं अगर ये देखो तो आप जो बात कह रहे हैं ये तो सर्कुलर डेट जो है जिसको गर्दिशी कर्जा कहते हैं ये तो सर की गर्दिश करता रहेगा ये तो फिर कम होने का नाम नहीं ये जब तक आप फंडामेंटल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे जो चोरी होती है जो जिसको लाइन लॉसेस कहा जाता है एक थर्टी टू थर्टी फाइव परसेंट तो आपका थेफ्ट है सही तो जब तक आप को नहीं निकालेंगे इसमें से तो कैसे आप अच्छा चले लेकिन अगर मैं ये तस्वूर करूं कि गवर्नमेंट आईएमएफ एम एफ पे कहने पर सर्कुलर डेट के जो मामला आता है उसको रिजोल्व कर देती है तो शायद गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन होगा कि वो मजीद नोट प्रिंट करे और फिर इन को दे इज इट नहीं मगर मैं आपसे काउंटर सवाल कर रहा हूं चलिए किसी तरह भी हम एज्यूम करते हैं कि इसको कर देंगे वो फिर जनरेट हो जाएगा सही बात है इकोनॉमी के लिए तो आप तो अगेन इट फॉर वोट इट इज नॉट अ सोल्यूशन जब तक कि आप फंडामेंटल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे बेसिक चीजों को फिक्स नहीं करेंगे उस वक्त तक इट विल कीप कमिंग बैक सर सलमान साहब ये तो, तो फिर मसला पड़ गया आई एम एफ ने कहा गर्दिशी कर्जे के मामले को हल करो हुकूमत एक बार करती ये तो फिर छह महीने आठ महीने में सर उठाने लगेगा और साल दो साल में तो अगर छह महीने बाद इंतखाबात हो जाते हैं तो अगली हुकूमत के लिए तो फिर एक बड़ा चैलेंज नजर आएगा बिल्कुल दुरुस्त है और ऐसा हो चुका है ये ऐसा नहीं है कि बात है, है, कि है। खत्म किया था गर्दिशी कर्जा खत्म कर दिया था जीरो कर दिया और उस वक्त एक प्रोग्राम था और हम यही बातें कर रहे थे काश वो कभी मैं आपको दिखाऊंगा उसकी भी यही चीज़ें हो रही थी कि जब तक आप इसको ए, ए, इसके रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट नहीं करेंगे जो बुनियादी हामियां दूर नहीं करेंगे थर्टी परसेंट लाइन लॉसेज थर्टी थर्टी फाइव परसेंट लाइन लॉसेज सर रुपये में तीस पैंतीस पैसे तो आपके निकल जाते हैं यानी वो कंसिडर ही नहीं होते

मेजर uh, प्रॉब्लम है वो इसकी वजह से ही है जो आपकी गैस यूटिलिटीज से पैसे जो हैं उसे और इफ आई एम नॉट जो स्टॉक मार्केट से वाबस्ता लोग हैं ये जो पेट्रोलियम सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनके पीई जो है वो इसलिए लोअर साइड yes. पे हैं क्योंकि इनका सर्कुलर डेट बहुत बड़ा है जी 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 सर्कुलर डेट बहुत बड़ा है हालांकि कंपनियाँ प्रॉफिट में होती ही, होनी चाहिए इनके रिसिवेबल्स जिस तरीके से हैं और जिस तरीके से पी जो है सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है उसको उसका शेयर्स का रेट आप देखें और इस वक्त शायद हार्डली वो दो या तीन या चार की पी पर वो अवेलेबल exactly. है एक और इसी तरीके आ, से और से अगेन फिर जब हम 2008 की सात की छः की बात करते हैं तो ये जो ब्लू चिप कंपनीज जो थी उस वक्त तो इन्हीं इन्हीं की और एक से। में बहुत बड़ी होल्डिंग, 60 -70 होल्डिंग के बिल्कुल, बिल्कुल। जो वो करते रहे करते रहे वो सारी लोकल आ गई लेकिन लेकिन बताए ना आप कह रहे इतनी अच्छी सूरत हाल थी फिर ये बिगाड़ हुआ और बिगाड़ पे काबू हो रहा है और जो चैलेंजेस हैं वो इतने सारे अगर मैं इंप्लीमेंट करने की बात करूं कि गवर्नमेंट तीन हफ्ते में आईएमएफ को राजी करने के लिए इस सारी चीजें इंप्लीमेंट कर देती है इसका इफेक्ट क्या होगा इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा एक आम कंज्यूमर की एतवार से बताइए नहीं, नहीं, काफी देखें काफी सवाल हैं और आईएमएफ का तो हो ही जाएगा क्योंकि उसके अलावा चारा नहीं है उसके लिए सर आईएमएफ अवाम, <laughs> 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 अवाम, अवाम तो जनाब किसी उसमें नहीं है इन्फ्लेशन अभी 26 परसेंट सत्ताईस परसेंट को टच कर रहा है लेकिन मेरे ख्याल फूड इन्फ्लेशन अब 40 50 परसेंट होगा इस वक्त राइट नाउ और ये मज़ीद जो है ओवर इन्फ्लेशन हमारा 16 के शुमार है और अगर हम इसी तरीके से समझ रहा हूँ अल्लाह ना करे हम जाए लेकिन सर व्हाट इज ये किस तरह की आपको जब बोरोइंग करते हैं तो 18 परसेंट पर आपको मिलता है तो 18 परसेंट पे कौन सा बिजनेस आप रन कर सकेंगे तो सर मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ अगर आज आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप बैंक में रखवा देंगे तो आपको बिजनेस करने की जरूरत क्या है बिजनेस करने की जरूरत क्या है लेकिन बैंक में जब रखवा देंगे जो आपका डिवेल्यू हो रहा है तो सर वो इन रियल टर्म्स अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इस वक्त सबसे बड़ा इशू देखें हमें रियलिटी को फेस करना चाहिए हमने इतना गवर्नेंस खराब किया है इतना मिसमैनेजमेंट किया है और अब हमारे पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं हमारे फ्रेंडली कंट्रीज भी ये कह रहे हैं कि पहले अपने मामला तय करो एफ क्या कहता है हम सारा डिसिप्लिन डिसिप्लिन कहता है वो की बात करते हैं एग्जैक्टली exactly मैं यही कहने जा रहा था हम सारा ब्लेम कह देते आई एम एफ ये आई एम एफ कह रहा IM... है अखराजात और उसको बैलेंस को जो तुम हमसे वादा करते हो उसको पूरा करो। कैसे बैलेंस हो सकता है अगर मैं सिर्फ आज की फिगर स्पोर्ट करूं तो आपके जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उनकी इस आठ महीने के दौरान जो उन्होंने फॉरेन ट्रिप्स किए हैं उसके ऊपर पाकिस्तानियों का करोड़ों अरबों रुपया लग गया पता नहीं और ये अगर मैं ओवरऑल काबिना की बात को, तो अरबों रुपए में फिगर जाता है सर ये कैसे ट्रिप्स की फिगर जो मुझे बिलियन exactly बिल्कुल एक्जैक्टली exactly बिलियन बिल्कुल, एक बिल्कुल से अब सर मुझे समझाएं अगर तो मेरे हाथ में पैसे नहीं है और मैं पूरे पूरे बोइंग के जहाज और मैं 40-40 लोगों के काफले लेके बैरून मुल्क सफर करूंगा आलिशान जिंदगी बसर करूंगा तो मुझे तो नहीं समझ आता कि मेरी सूरत सूरत हाल हाल आप बेसिकली मेरी बात को सेकंड कर रहे हैं जो मैंने स्टार्ट तो में नहीं कर सकता मैं नहीं, नाँ, 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 मैं नहीं नहीं आप सेकंड कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि जब आप अस्सी मेंबरान की कैबिनेट बनाएंगे और हमें नहीं पता कि वो कैबिनेट करती क्या है हम किसी मिनिस्टर को नहीं देखते सवाए दो तीन मिनिस्टर जो हमारे सामने आते हैं

टली आई एम सॉरी टू से वे फॉरवर्ड क्योंकि इस, क्यों इस गवर्नमेंट के पास चैलेंजेस बहुत सारे हैं तो एक चैलेंज ये भी है कि गवर्नमेंट का जो टेन्यूर है वो बहुत लिमिटेड है और इस टेन्यूर को देखते हुए मामला है उसको भी देखना है दोस्त ममालिक के मामला को भी देखना है और जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है वो भी इस तरीके से करनी होगी कि आने वाली जो हुकूमत है उसके लिए भी ये चैलेंज ना हो उसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बता सकते आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमन आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनि नेमन प्रोग्राम में आपको खुशाम कहते हैं वे फॉरवर्ड कर रहा हो रहा था इस वो पाकिस्तान जिस बहरानी कैफियत में हुकूमत ने एक इकदाम तो किया कि जो इम्पोर्ट के हवाले से जो मुश्किल थी उसको आउट किया और जो इम्पोर्टर्स हैं उनके एलसी के जो मामलाते हैं उसको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन दिए लेकिन इससे ये तासुर तो जरूर गया कि पाकिस्तान माशी तौर पे इतने बुरे हालात में नहीं लेकिन क्या ये जो इकदाम है पाकिस्तान के माशी चैलेंज में मजीद इजाफा तो नहीं कर देगा और इसके अलावा अगर पाकिस्तान के माशी चैलेंज को कम करने की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास इस वक्त कौन से न्यूज हैं कि ये जो सिंकिंग इकोनॉमी है इसको डूबने से बचाया जा सके सलमान साहब वे, वे आउट की बात करते हैं इसहाकदार साहब ने अपने तजुर्बे को भी जाहिर कर दिया अपनी काबिलियत के बारे में काफी सारी खुद बातें भी कर ली अपनी खुद तारीफ भी कर ली लेकिन कोई इस वक्त पिछले आठ माह में कोई ऐसे एक या दो इकदाम आपको नजर आए आपको लगे कि ये वो इकदाम हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को ट्रैक पर ले आएंगे देखिए मैं तो बिल्कुल फॉलो नहीं करूंगा साहब को लेकिन पर्सनल जो पढ़ते हैं देखते हैं उसके मुताबिक ही मैं बोलूँगा मैं उन पर ट्रस्ट सॉरी टू से मैं नहीं कर सकता अब इस सूरत हाल में यानी एक ओवर बाकी और सौ रन बनाने ये सूरत हाल है तो कैसे हो सकता है देखें आ, लकीली कह लें या जो भी कह लें हमारी जो बाइलेटरल जो हमारे डेथ है जो तकरीबन फिफ्टी परसेंट जो चाइना और सऊदी अरब से हुँ. अगर हम रिस्कैज करने में कामयाब हो जाते हैं और शायद कोशिश भी हो रही हो अगर नहीं कोशिश हो रही हो तो मैं समझता हूँ इन्हें

मुल्क के पास ज्यादा वक्त नहीं एक से दो माह की बात है बड़े फैसले हो रहे हैं और फिर आपको साल दो साल के लिए कैसी गवर्नमेंट साल सवा साल डेढ़ साल, साल की कैसी गवर्नमेंट लानी होगी जो मुश्किल फैसले करे इकोनॉमी को बेहतर करे आपको लगता है इस तरह की जो बात हो रही है ये पॉसिबिलिटीज में शामिल होती है दो बातें मैं कर जाऊंगा एक और उसमें एनर्जी कंजर्वेशन पे अभी इन लोगों ने बड़ी अच्छी बातें करी थी कि आठ बजे से ये हो जाएगा नौ बजे से लेकिन इनकॉम्पिटेंट लोग हैं तो वो हो हो भी नहीं सकती थी वो बात हवा में ही चली गई कहा था जुमेरात को फाइनल हो जाएगा जुमरात गुजरे हुए आज मंगल आ गया शायद बुध आ गया अगला हफ्ता अगला हफ्ता शुरू हफ्ता हो गया वो बात ही वो बड़ी अच्छी चीज थी यानी ये चीज़ें श्रीलंका में क्या हुआ अभी आपने श्रीलंका का जिक्र किया था वहां पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं और वो कदर क्योंकि थोड़ी आबादी है पढ़े लिखे लोग हैं लिटरेसी रेट अबव नाइन्टी परसेंट वो शायद कर भी लेंगे अचीव कर लेंगे तो सर मसला ये है कि जहाँ तक हमारी पॉलिटिकल उसका ताल्लुक है मैं उस पर भरोसा नहीं है हाँ शब्बर जैदी का माइंड अगर मैं फॉलो करता हूँ शायद उनके जहन में देखें अगर कुछ और सेकंड टेक्नो क्रेडेट्स आ जाते हैं साल दो साल के लिए एक अच्छी टीम आ जाती है उसके तो बाद तो वे आउट नजर आता है आपने देखें वे आउट का पूछा है

हमारे मुल्क के सबक वजीर खजाना मफ्ता इसमाही साहब अपनी हुकूमत पर ट्रस्ट नहीं कर रहे शब्बर जैदी साहब फॉर्मर चेयरमैन एफ वी आर और अक्सर काफी क्लोज माने जाते हैं तमाम तरफ बिजनेस फेटर्निटी से गवर्नमेंट से वो ट्रस्ट नहीं कर रहे आपके पड़ोस में सलमान साहब वो भी ट्रस्ट नहीं कर रहे सर जब ये तीन फरीक ट्रस्ट नहीं कर रहे तो मुझे बताएं इंटरनेशनली आप ज्यादा वेल कनेक्टेड हैं इस गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट होगा साहब ना इस गवर्नमेंट पे है ना इससे पहले वाली गवर्नमेंट पे था मेन मसला ये है कि जब हम अपनी पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे हम कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ आईएमएफ से आप माहिदा कुछ करके आते हैं आने के बाद अपने कंट्री में उसके बरखिलाफ काम करते हैं तो आईएमएफ भी आपसे अपसेट होता है वो कहता सही. है भाई जो हमसे कमिटमेंट की उसको पूरा करो सही. तो हम आपको नेक्स्ट ट्रांच देंगे मेन देखें वे फॉरवर्ड में मैं समझता हूँ तीन चार बातें हैं मुल्क इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस में है फाइनेंशियल इमरजेंसी है हमें सियासत अगर मुल्क कायम रहेगा तो हमें सियासत करने के बड़े मौाक़ मिलेंगे सबसे अपॉर्चुन टाइम ये है कि ये सारे पॉलिटिशियंस बैठे जो शायद नहीं बैठेंगे इनको बैठ के एक इसका एक एक तय करना चाहिए कि मुल्क को हम इस क्राइसिस से कैसे निकालें अगर आप ये नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर आप एक चीज़ मैं कह दूँ जो हमारे पास इस वक्त डॉलर का मसला आ रहा है देखें आपने ओपन मार्केट में डॉलर का रेट देखिए क्या गवर्नमेंट का जो फिक्स रेट है एक तरह से कहना चाहिए वो क्या है ना देखें तो जो तीस पैंतीस रुपए का है अब exactly. उसकी वजह से ओवरसीज उसके पैसे बैंकिंग चैनल से नहीं, नहीं देगा तो उसका नतीजा क्या हो रहा है आपके पास डॉलर कम में कमी आ रही तो वो गैप और बढ़ रहा है कम नहीं हो कम तो आपको इसके बारे में बैठ के संजीदा प्लानिंग करनी पड़ेगी को सबको तो उसका तो कह दिया ना डार साहब ने डॉलर तो मुल्क में बहुत है बस आ, स्मगल हो जाता है वो पता नहीं कहां से होता ने ने है जिम्मेदारी तो इसाक साहब की है ना उसको कंट्रोल करें फिर आप हुकूमत में क्यों बैठे हैं अगर आप हुकूमत में बैठे हैं मुझे बड़ी हैरत हुई जब डार साहब ने कहा कि मुझे अंदाजा नहीं था इतने हालात खराब है प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं मुझे अंदाजा नहीं था हालात इतने खराब है तो भाई प्राइम मिनिस्टर साठ सत्तर की बाधा और उन्होंने कहा था सत्तर तो तो मुझे हैरत है कि आप पॉलिटिक्स के अंदर हैं आप गवर्नमेंट फॉर्म करने की पोजीशन में हैं आपने फॉर्म की और फिर आप कहते हैं हमें पता नहीं था कि हालात इतने खराब है तो यार ये सिर्फ कोई पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए लेकिन मुझे आप जो अलामी सिचुएशन की बात करें

प्लीज़ इसके ऊपर बताएं हाउ मच टाइम डू वी हैव राइट नाउ देखें टू बी ऑनेस्ट मैं समझता हूँ कि हमको इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए जो मुझे अभी तक कौन के मिजाज से नज़र नहीं आ रहा कि वो इसको बहुत सीरियस ले रहे हैं हम बड़े आसानी से कह देते हैं अरे हम सत्तर साल से ये बात सुन रहे हैं हम डिफॉल्ट नहीं होंगे सही आज जो सूरत हाल है वो सत्तर साल पहले नहीं थी exactly. आज हम जहाँ खड़े हैं हम सत्तर साल पहले नहीं खड़े थे आज जो लोन हमारे ऊपर है वो सत्तर साल पहले नहीं था हम जितनी दफा कमिटमेंट्स करके बैकआउट कर चुके हैं उसकी हिस्ट्री काफी लंबी हो गई तो हम पे अब ट्रस्ट नहीं रहा लोगों का और दूसरी बात यह है कि जब तक हम अपने हाउस को इन ऑर्डर नहीं लाएंगे हम अपनी चीजों को खुद दुरुस्त नहीं करेंगे आप कब तक दूसरों से पैसे लेते रहेंगे हम एक्सपोर्ट्स अपनी नहीं बढ़ा पा रहे हैं चूंकि हमारे इनपुट्स इतने महंगे हैं आ, वर्किंग एनवायरमेंट काबिल नहीं है कि लोग उसमें ऑपरेट कर सकें और काम कर सकें तो ये तमाम चैलेंजेस जो हैं हमारे लिए मेरा ख्याल है कि बहुत सीरियस कितना है टाइम कितना है सर वेरी आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट लेकिन बट मैं समझता एक, समझ तो एक महीने से ज्यादा का टाइम नहीं है बट ये भी मैं बहुत स्ट्रेच करके बता रहा हूँ ये भी इसमें पंद्रह दिन समझ लू <laughs> क्योंकि मैं अगर it's अगर इट्स एनीबडीज इमेजिनेशन बेसिकली मगर दो से तीन हफ्ते वाली बात है ये सर क्योंकि एक एक और फैक्टर भी है ना आपने जो इम्पोर्ट शो की थी खास तौर पे जो आपने सर्जिकल इक्विपमेंट्स है फार्मास्यूटिकल आइटम्स हैं एसेंशियल गुड्स की आपने डेफिनेशन को भी अब तर्मीन कर दिया अब वो जो इंपोर्ट्स की थी उनका और जो एडिशनल इंपोर्ट्स होने उनका बर्डन तो आना है तो एक साथ जब ये आएगा तो शायद टाइम और कम रहता है। yes, yeah, मैं तो। सलमा साहब, योर कमेंट ऑन दिस ओके मैं देखें जिन लोगों ने कहा था कि हम कपड़े उतार के बेच के और आपको फैसिलिटेट आटा देंगे आटा फैसिलिटेट करेंगे सारा कवर कर रहा हूँ मैं तो मेरे ख्या आवाम के कपड़े उतरने की नौबत आ गई है और टाइम बिल्कुल नहीं है एक महीना ही हार्डली है अभी छुट्टियाँ हैं

आ, अच्छाई के इम्कान कम ही नजर आ रहे चलिए एक पॉलिटिकल सवाल पूछ लेता हूँ ये डिफॉल्ट गवर्नमेंट को सूट करता है क्योंकि गवर्नमेंट के पास कहीं ना कहीं फिर जवाब होगा कि वो एक साल तक इस गवर्नमेंट को स्ट्रेच कर सके एक साल मजीद इफ आई नॉट रॉन् ये हो सकता है यूज भी कर रहे हो आप शायद समझ रहे हैं कि हो जाएगा ये इस बात को हो सकता है यूज कर रहे हैं और इसको इसके बलबूते पर प्रेशर डाल रहे हैं अपोजिशन पे कि वो ज्यादा इलेक्शन इलेक्शन ना करे मैशत की तरफ तो साहब ने इसी बात का इशारा भी जी हाँ जी हाँ तो, तो ये हकीकत है आप जो कह रहे हैं ये फायदा ले रहे हैं लेंगे नहीं ले रहे हैं मतलब इकॉनमी रहे ना रहे इनका फायदा जरूर हो रहा है अभी तक तो यही है ना अभी हुकूमत में है तो जाहिर है वो अपने फायदे के लिए ही सारे काम करेंगे पर्सनल जो भी गेंस उन्होंने लिए हैं इस प्रोग्राम का टॉपिक ये नहीं है जो पर्सनल गेम्स में गिनाना शुरू करूँ तो पता नहीं क्या क्या तो कहने का मकसद ये है कि इस इकनॉमी की जो भी बर्बादी है इसको जवाब बना के सियासी माहौल को पीछे करना दूर करना इलेक्शन दूर करना ये इसका फ़ायदा ले रहे हैं ये यकीन तौर पर अलार्मिंग भी है मेरे लिए एक इनकशाफ भी है मैं तो ऐसे ही पूछ लिया था उन्होंने जवाब ही दे दिया और कभी कभार ऐसे सवाल पूछने के बाद मुझे खुद हो, एहसास होता है कि शायद ये ना पूछा जाता तो क्लोज करते तक मेरा दिल इतना भारी ना होता लेकिन अनफॉर्चुनेट uh, सिचुएशन है और अफसोस की बात है कि जब आपके घर में आग लगी हो और आप अपने घर की आग बुझाने से ज्यादा तरजीह दीगर मामला और दीगर उमूर को दें तो फिर uh, मामला यकीन तौर पर मुश्किल होते हैं और जब हम बात करते हैं आई एम एफ की या दीगर दोस्त ममालिक तो कोई आपकी उस वक्त तक मदद नहीं करता है जब तक आपकी मदद आप खुद करना ना चाहें और ये बात मैं कोई ऐसी बातों के लिहाज से नहीं कह रहा अगर इस वक्त आप मौजूदा काबीना की परफॉर्मेंस को देखें उनके ठाठ बाट उनके याशियों को देखें तो आपको कोई भी एंगल से इस वक्त पाकिस्तान में आ, माशी सूरत हाल बिगड़ती हुई दिखाई नहीं देती आज कोई भी ऑब्जर्वर जो भी कर्ज दे रहा है वो पाकिस्तान की सूरत हाल देख रहा है और वो ये देखेगा तो ये किस बात को देखेगा कि आपके जो अक्सर वजरा हैं, आपकी जो काबीना कैरकान है वो अक्सर गैर मुल्की दौरों पे होते हैं महंगे महंगे होटल्स में ठहरते हैं आलिशान जिंदगी गुजारते हैं पाकिस्तान में यहाँ पे जिस तरह का उनका लाइफ स्टाइल है वो शायद बाहर रहने वाले बड़े बड़े लोग तस्वर भी नहीं कर सकते वो यहाँ पे है और ये बात बता दूं इस घर को आग लगने के बावजूद अगर ये इनका हाल है तो फिर आवाम का अल्ला मालिक है दूसरी जानब अवाम के लिए जैसे कि सलमान साहब ने कहा कि गुजत हफ्ते का प्लान दिया गया कि अवाम को किफायत शहरी सिखाई जाएगी लेकिन अवाम को किफायत शहरी सिखाने से, से पहले हुकूमत को पहले खुद इस तरह के दाम करने होंगे फिर अगर हुकूमत इस तरह की कोई बात करती है तो बात समझ भी आती है पाकिस्तान में कन्विक्टेड जब यूरोप छुट्टियां गुजारने जा सकते हैं तो इस का इतना कसूर तो नहीं है कि वो अपनी अयाशी या अपनी थोड़ी देर के के लिए अपने फैसलों में खुद मुख्तार उम्मीद करते हैं पाकिस्तान की जो टूटती हुई डगमगाती हुई मीशत है वो संभल जाए लेकिन फिलहाल इसके आसार नजर नहीं आते अल्लाह पाकिस्तान को अपने में रखे अपना ख्याल रखेगा अपने मेजबान उनको इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़ The Daily Show with Muneer Mehman.